हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत में आपने सल्तनत काल को ख़त्म कर लिया है पढ़ते हुए। और आज जो आपका टॉपिक है ये भक्ति आंदोलन से है। और भक्ति आंदोलन में हम दक्षिण के संतों को भी देखेंगे और उत्तर भारत में जो महत्वपूर्ण संत हैं जिन्होंने समाज में समाज सुधार का कार्य किया है या लोगों के अंदर जागरूकता लाने का कार्य किया है उनको भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम सूफी संतों को भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे सूफी सिलसिले हुए हैं और उनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने हमारे समाज के उद्धार के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। और ऐसे हम संतों को भी देखेंगे। तो बहुत ही आज का क्लास जो है इम्पॉर्टेंट है। और ये क्लास जब तक पूरा नहीं हो जाता, जो भी लगेगा 2-3 पार्ट हम इसे पूरा करेंगे। और यहाँ जो भी पॉइंट्स हैं बच्चों उसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स एक जगह मिलते नहीं हैं आसानी से और एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ पे गलती हो जाती है। इसीलिए आप लोग इसको बहुत सीरियसली देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज जो आपका क्लास है ये शुरू कर रहे हैं हम दक्षिण भारत के जन आंदोलन के रूप में, जो अलवार हैं वो और नयनार संत इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। यानी कि दक्षिण भारत में वो संत जिन्होंने सबसे पहले भक्ति आंदोलन को शुरू किया था, तो वो कौन थे? तो वो थे अलवार, और दूसरे जो थे वो नयनार थे। जो अलवार थे ये क्या थे? ये वैष्णव संत थे, वैष्णव संत। और जो नयनार हैं ये क्या थे? ये शैव संत थे, शैव संत। ध्यान रखेंगे बच्चों, अलवार जो है ये वैष्णव संत है और जो नयनार हैं ये शैव संत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान देना है आप लोगों को। और यही पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में जो है धर्म प्रचार का काम किया, या धर्म में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया, जनता को जागरूक करने का प्रयास किया और अच्छी चीज़ों को समाज में फैलाया है। तो ये सबसे पहले संत हैं जिन्होंने दक्षिण में काम किया इस तरह का। भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ, रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पीठिका तैयार की। यानी कि जो भक्ति आंदोलन है उसमें दार्शनिक जो पीठिका है वो किसने तैयार किया है? तो रामानुजाचार्य ने किया है। यानी कि इन्होंने भक्ति को दर्शन से जोड़ दिया है और उसमें अच्छी अच्छी बातों को इन्होंने जो इंक्लूड किया है और लोगों को बताया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। इसके अलावा हम देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, दार्शनिक पीठिका से जोड़ दिया। साथ ही इन्होंने शंकराचार्य ने क्या किया है, अद्वैतवाद में संशोधन किया है। जो शंकर हैं ये कहते हैं अद्वैतवाद में संशोधन करते हैं, और क्या कहते हैं, शंकराचार्य का जो दर्शन है के क्षेत्र में अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है। यानी कि अद्वैत दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इसमें संशोधन करके प्रतिपादन किया अद्वैत दर्शन का, तथा साधारण लोगों के लिए शैव उपासना पर बल दिया था। इन्होंने जो शंकराचार्य हैं इनका नाम भी आप देखेंगे जो है शंकर के ही उस पर रखा हुआ है, और इन्होंने शैव पूजा के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। यह अद्वैत मीन्स होता है कि जो ईश्वर है और जो आत्मा है ये दो नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। इनका जो मत है वो अद्वैत है, यानी कि ये अद्वैत मानते हैं, यानी कि दो नहीं हैं, आ मतलब कि नहीं, द्वैत मतलब दो नहीं बल्कि एक हैं। तो अद्वैत ये इनका दर्शन है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, अद्वैतवाद का आधार है कि ब्रह्म सत्य है तथा जगत मिथ्या है। इनके अनुसार जो शंकराचार्य हैं ये अद्वैतवाद में विश्वास रखते हैं, यानी कि भगवान दो नहीं है, ईश्वर और जो आत्मा है दोनों एक ही हैं, ये दो चीज़ें नहीं हैं। और ये क्या कहते हैं, जो ब्रह्म है यानी कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो एक है और वही सच है, और ये जो जगत है ये मिथ्या है, ये सब कुछ झूठ है, दिखावा है, इसमें सच्चाई नहीं है। अगर इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में कुछ सच है तो वो ईश्वर है, और ईश्वर और आत्मा दोनों एक हैं, इनका दो अस्तित्व नहीं है। मोस्टली हम क्या कहते हैं कि ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाता है, लेकिन ये क्या कहते हैं कि नहीं, आत्मा और ईश्वर दोनों एक चीज़ें हैं और ईश्वर ही सत्य है, बाकी सारी चीज़ें मिथ्या हैं यानी कि झूठ हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे क्या है, इसके अलावा ये क्या कहते हैं कि आत्मा परमात्मा ही है, यानी कि जो आत्मा है वो परमात्मा है, वह उससे भिन्न या पृथक नहीं है। ये कहते हैं कि जो आत्मा है वही परमात्मा है और जो परमात्मा है वही आत्मा है, ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक हैं। इसीलिए तो इन्होंने कहा कि अद्वैतवाद यानी कि अद्वैत नहीं, मतलब जो चीज़ें हैं वो दो नहीं हैं बल्कि एक हैं। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। शंकराचार्य ने ज्ञान के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर भी बल दिया है।
ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ज्ञान भी होना चाहिए व्यक्ति को और साथ ही व्यक्ति को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, यानी कि जिसका अपना जो है जो दिखाई ना दे उसी को कहते हैं निर्गुण निरारूप। तो ऐसे ब्रह्म की, ऐसे भगवान की पूजा करनी चाहिए जो हर जगह व्याप्त है, जिसका कोई एक रूप नहीं है, जिसका कोई एक स्थान नहीं है, जो हर स्थान पे है, हर रूप में है, हर जगह विद्यमान है और जो एक है और जो सत्य है, वो क्या है, वही ब्रह्म है और वही ईश्वर है। ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं शंकराचार्य जी। शंकराचार्य महायान बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे, इसीलिए इन्हें शंकराचार्य को ही प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है। प्रच्छन्न बुद्ध किस जो है संत को कहा जाता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो शंकराचार्य को ही प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से काफ़ी प्रभावित हैं। तो इम्पोर्टेंट है, बच्चों ध्यान देंगे इसको। इसके अलावा देखेंगे कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया गया, कौन कौन सी बातें हैं जिस पर इन्होंने ध्यान दिया है। तो पहला है ब्रह्म और जीव मूल रूप से या एवं तत्व एक ही हैं, यानी कि जो ब्रह्म है और जो जीव है ये दोनों मूलतः एक ही तत्व है, ये दो नहीं हैं। इनका जो स्वरूप है, इनका जो अस्तित्व है, जो मूल रूप है, जो वास्तविक रूप है, वो क्या है, वो एक है, दो नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा और हमें जो भी अंतर नज़र आता है वह अज्ञानता के कारण है। ये कहते हैं कि हमें जो अंतर नज़र आता है ईश्वर और आत्मा में, वो अंतर नहीं है, बल्कि वो अंतर इसलिए नज़र आता है क्योंकि हम अज्ञान हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमें जानकारी नहीं है सही चीज़ों की, हम गलत चीज़ें जानते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। तो जो हमें दिखाई देता है, हमें लगता है वही सच है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, वो कहते हैं कि ये सच नहीं है। जिसके पास ज्ञान का अभाव है वो वही मानता है जो वो देखता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान होता है वो मानता है जो वो जानता है, जो वो महसूस करता है। तो इन्हें क्या कह रहे हैं ये, कि जो लोग जो है अंतर नहीं कर पाते हैं, कौन, जिनके पास ज्ञान नहीं होता, जिनके पास अज्ञानता होती है, वही ये अंतर जो है करते हैं और ये नहीं जान पाते कि भगवान और जीव एक ही है, दोनों एक ही तत्व हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। इन्होंने कहा कि अगर किसी जीव को मुक्ति प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसके पास ज्ञान होना चाहिए। अगर उसे ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो ज्ञान के मार्ग पर या भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए जो व्यक्ति है उसके पास ज्ञान होना चाहिए और वही ज्ञान उसको मोक्ष प्राप्त करने में मदद करेगा, ऐसा इनका मानना है। इसके अलावा जीव की मुक्ति ब्रह्म में लीन हो जाने में है। इनके कहने का मतलब है कि जीव की जो मुक्ति है या जो जीव है वो कैसे मुक्त हो सकता है, अगर वो ब्रह्म में लीन हो जाए, ब्रह्म में खो जाए, ब्रह्म में अपने आप को विलीन कर ले, तो वो क्या हो जाएगा, जीव मुक्त हो जाएगा अपने सभी पाप पुण्य से, अपने ये जन्म मरण के चक्र से, इन सारी चीज़ों से वो मुक्त हो सकता है, आज़ाद हो सकता है। ये कौन कहता है, शंकराचार्य कहते हैं। और ये जो शंकराचार्य हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने इंडिया में चारों दिशाओं में, यानी कि हमारे देश में चारों दिशाओं में अलग अलग पीठिका का निर्माण किया है या अलग अलग पीठ बनाया है जिसका लोग जो है दर्शन करने जाते हैं, और उन्हीं चारों पीठों का जो लोग दर्शन कर लेते हैं उन्हीं को कहा जाता है कि चारों धाम जा रहे हैं। जो लोग चारों धाम जाते हैं, अगर आप ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि इस तरह की बातें हमारे गांव में बहुत ज़्यादा प्रचलित होती हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में या इस्लाम धर्म में जो भाई लोग होते हैं या जो उनके फैमिली वाले होते हैं वो मक्का मदीना जाते हैं और उसे सबसे बड़ा धार्मिक यात्रा समझते हैं अपना, और जो हमारे यहाँ के हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो चारों धाम जाया करते थे। प्राचीन काल में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था, लोगों की अपनी बहुत इच्छा या एक आखिरी इच्छा सी होती थी कि हमें चारों धाम करा दिया जाए, इससे उन्हें लगता था कि उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो जो चारों धाम है ये चारों दिशाओं में अलग अलग पीठ जो बनाने का काम किया था इन्हीं शंकराचार्य ने किया था। इसके अलावा इन्होंने एक और पांचवा पीठ भी बनाया था, और जो पांचवा पीठ था ये केरल के कांचीपुरम में था, जहाँ से ये बाकी के चारों पीठों पर नियंत्रण करते थे या उसका निरीक्षण करके देखभाल करने का काम किया करते थे। तो इन्होंने मोस्टली चार पीठ बनवाए हैं जो काफ़ी फेमस हैं, एग्ज़ाम में आते भी हैं, लेकिन उन सब पर नियंत्रण रखने के लिए या उन पर जो है अपना एक तरीके से कंट्रोल रखने के लिए, उसका देख रेख करने के लिए इन्होंने पांचवा पीठ भी बनाया था।
कांचीपुरम में, क्योंकि जो शंकराचार्य हैं इनका जो जन्म है वो केरल में ही हुआ था। और एग्ज़ाम में आता भी है कि कौन से सूफिया जो है हमारे जो संत हैं उनका जन्म केरल में हुआ है, तो ये शंकराचार्य ही हैं। और इन्होंने वहाँ पे एक पीठ भी बनवाया है जो पांचवा पीठ के रूप में है। तो इनके द्वारा जो बनाए गए पीठ हैं, मैंने यहाँ लिखे हैं बच्चों, शंकराचार्य द्वारा बनाए गए पीठ, जिसमें आप देखेंगे ज्योतिष जो है ज्योतिष पीठ ये विष्णु को समर्पित है। और ये कहाँ पे है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। ये उत्तर दिशा का पीठ है जो उत्तराखंड में बनाया गया है। और उत्तराखंड में कहाँ है, तो ये बद्रीनाथ में है। और इसको कौन सा पीठ कहा जाता है, तो इसको ज्योतिष पीठ कहा जाता है या ज्योतिष पीठ कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा जो पीठ है वो कौन सा है, गोवर्धन पीठ। और ये किसको समर्पित है, तो बलभद्र व सुभद्रा को समर्पित है, बलभद्र व सुभद्रा को समर्पित है। और ये कहाँ पे है, ये पुरी में है, पुरी उड़ीसा में है, यानी कि आपका पूर्व दिशा वाला है जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और ये जो है गोवर्धन पीठ है, ये एग्ज़ाम में आया है कि गोवर्धन पीठ, एक तरफ ये चारों पीठ दिए हुए थे और दूसरी तरफ ये राज्यों के नाम दिए हुए थे। और वहाँ पे मिलाना था कि गोवर्धन पीठ किस राज्य में है, ज्योतिष पीठ किस राज्य में है, शारदा पीठ किस राज्य में है और श्रृंगेरी पीठ किस राज्य में है। तो आपको ये पीठ के नाम और उसके साथ साथ इन राज्यों के नाम भी पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें बनाने वाला कौन है, तो वो शंकराचार्य हैं जो कि केरल में जन्मे हुए हैं। तीसरा जो पीठ है शारदा पीठ है और ये कृष्ण को समर्पित है, इम्पॉर्टेंट है। और ये कहाँ है, द्वारिका, द्वारिका गुजरात में है, गुजरात में एक द्वारिका प्लेस है, वहीं पर ये पीठ बना हुआ है जिसको शारदा पीठ कहा जाता है। और ये किसको समर्पित है, ये कृष्ण जी को समर्पित है। इसके अलावा आप देखेंगे श्रृंगेरी पीठ, ये शिव को समर्पित है, मैसूर में है। और आप जानते हैं जो मैसूर है ये कहाँ पे है, ये कर्नाटका में है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो श्रृंगेरी पीठ है शिव को समर्पित है, मैसूर कर्नाटका में है। ये चारों पीठ किसने बनाया, शंकराचार्य ने बनाया है। इन्होंने एक पांचवा पीठ भी बनाया है। और ये जो पांचवा मठ है, या इसको पीठ या मठ दोनों कहा जाता है, पांचवा जो मठ है इसकी स्थापना इन्होंने कांचीपुरम में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों किया था, ये सभी मठों पर निगरानी तथा नियंत्रण हेतु किया गया था। इस पांचवे पीठ का जो निर्माण है ये बाकी के सभी मठों पर या पीठों पर नियंत्रण और निगरानी करने के लिए किया गया था। इसके अलावा जो संत हैं ये कौन है, रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के दर्शन में संशोधन किया तथा भक्त के अनुकूल बनाया। इन्होंने क्या किया है, जो रामानुजाचार्य हैं इन्होंने शंकराचार्य के दर्शन में संशोधन किया या बदलाव लाया और क्या किया, भक्त के अनुकूल बनाया। जो रामानुजाचार्य हैं इनका जन्म 1017 ईस्वी में दक्षिण भारत में ही हुआ था, ये भी दक्षिण भारत में भी इनका भी जन्म हुआ है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कहाँ पे हुआ है, कांची में हुआ है। रामानुजाचार्य जो है ये अलवार संतों की शिक्षा जो है शिष्य, यानी कि रामानुजाचार्य अलवार संतों की शिष्य परंपरा में थे तथा विशिष्टाद्वैतवाद या विशिष्टा जो द्वैत दर्शन है इससे संबंधित है, विशिष्टा दर्शन से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो याद रखेंगे जो रामानुजाचार्य हैं ये क्या है, ये अलवार संत हैं। जबकि आपने देखा था जो शंकराचार्य थे वो नयनार संत थे, वो शिव की पूजा करते थे, और ये अलवार संत हैं। और इन्होंने क्या किया है, शिष्य परंपरा में थे, यानी कि ये अलवार संतों के शिष्य थे या उन्हीं के शिष्य परंपरा में थे। और इन्होंने क्या किया, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादक हैं ये, या प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा कि विशिष्टाद्वैतवाद, इसका मतलब क्या होता है कि द्वैतवाद यानी कि दो है, आत्मा और परमात्मा दो चीज़ें होती हैं, दो अलग चीज़ें हैं, इनका अलग अलग अस्तित्व है। लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों अपने आप में विशिष्ट हैं, दोनों की अपनी क्वालिटी है, दोनों का अपना स्थान है, दोनों की अपनी मूल चीज़ें हैं, और इसीलिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों अपने अपने में विशिष्ट हैं। तो इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है। ये एग्ज़ाम में पूछता है बच्चों कि रामानुजाचार्य का जो दर्शन था वो क्या था, शंकराचार्य का दर्शन क्या था, माधवाचार्य का दर्शन क्या था, निम्बार्काचार्य का दर्शन क्या था। तो एक तरफ इन विद्वानों के नाम लिखे होंगे और दूसरी तरफ दर्शन लिखा होगा, वहाँ पे आपको कूट मिलाना होगा या मिला रहेगा और आपको देखना होगा कि सही कौन सा नहीं है या कौन सा जो है सही है। तो ये चीज़ें घुमा फिरा करके एग्ज़ाम में आती हैं, तो इस पर ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है,
शिष्य परंपरा में विश्वास किया और विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य ने ब्रह्म को निर्गुण मानकर सगुण जो है निर्गुण मना कर दिया, यानी कि निर्गुण क्या किया, मानने से मना कर दिया, और सगुण माना तथा उसे ईश्वर बताया। यानी कि इन्होंने कहा कि जो ईश्वर है वो निर्गुण नहीं है, इन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया, इन्होंने नहीं माना या मानने से इनकार कर दिया। और इन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो सगुण है, यानी क्या, उसका आकार है, आप उसे देख सकते हैं, आप उसे छू सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, जो ईश्वर है वो सगुण है, वो निर्गुण नहीं है, यानी कि उसका आकार है और वो साकार रूप में है, इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से ही संभव है। इन्होंने कहा कि मोक्ष की जो प्राप्ति है वो जब ईश्वर की कृपा होगी तभी संभव है, और ईश्वर और आत्मा अपने आप में विशिष्ट दो चीज़ें हैं, इनका अपना अस्तित्व है, और जो आत्मा है उसे परमात्मा में मिलना है, उस दूसरी विशिष्ट चीज़ से मिलना है, तो उसे ईश्वर की उपासना करनी होगी, पूजा करनी होगी, और पूजा करके ही ईश्वर तक पहुँच सकता है। जबकि शंकराचार्य ने क्या कहा था कि दो अस्तित्व नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, और ईश्वर तक पहुंचने के लिए कि ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस व्यक्ति के पास ज्ञान होना चाहिए। लेकिन रामानुजाचार्य क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए, और जब वो ईश्वर की भक्ति करेगा तो ईश्वर उनको मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। इसके अलावा इन्होंने और क्या कहा है, ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कृपा से ही संभव है, और इसके लिए आवश्यक है कि भक्त स्वयं को ईश्वर के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित कर दे। इन्होंने कहा कि ईश्वर के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। जब हम मन से भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो भी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और उसके लिए हमें ईश्वर को प्रसन्न करना होगा। साथ ही इन्होंने क्या कहा है कि इसके लिए आवश्यक है कि जो भक्त है वो स्वयं को ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर दे, यानी कि उसका पूरा जीवन, उसका सारा सोच, उसकी सारी जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो सब ईश्वर के प्रति समर्पित होनी चाहिए। वो पूरी तरह से जब अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करके उनकी पूजा में लीन हो जाएगा तो जो ईश्वर है वो उसे मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे, और बिना ईश्वर के आशीर्वाद के मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ये किसने कहा है, ये रामानुजाचार्य ने कहा है। रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय था वो कौन सा संप्रदाय था, श्री संप्रदाय था। ये संप्रदाय भी याद रखेंगे बच्चों, इनका श्री संप्रदाय है, और ये श्री संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसके बाद जो अगले जो आपके हैं संत, उनका नाम क्या है, उनका नाम निम्बार्काचार्य है, और ये जो निम्बार्काचार्य है इम्पॉर्टेंट है। इनका जन्म 12वीं शताब्दी में के लगभग कहाँ पर हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है। आप देख रहे हैं ये जो तीनों संत हैं दक्षिण के हैं, शंकराचार्य भी, रामानुजाचार्य भी, और निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य कहाँ से हैं, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, निम्बापुर नामक स्थान पर। इनको इनकी सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, यानी कि इनको क्या कहा जाता है, जो कृष्ण हैं उनका जो सुदर्शन चक्र है माना जाता है कि वो इसके अवतार हैं। तो अवतारवाद में विश्वास रखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि विष्णु के 10 अवतार हैं और वो बार बार धरती पर जन्म लेकर के आते रहे हैं, और जो 10वां अवतार है वो कल्कि का है, जिनका जन्म अभी धरती पर होना बाकी है, और जब कलयुग में बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ेगा तब कल्कि का जन्म होगा, और जो 9वां अवतार है वो बुद्ध को माना गया है। तो ये भी अवतारवाद में विश्वास करते हैं, और माना जाता है कि जो सुदर्शन चक्र है उसका अवतार है ये, कौन है, तो निम्बार्काचार्य सुदर्शन के अवतार हैं। इसके अलावा ये अलवार इनका, इसके अलावा आप देखेंगे सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, साथ ही इनके अन्य नाम भी हैं, क्या क्या है, नियम माना, यानी कि नियमानचंद तथा निम्बादित्य। थोड़ा सा अलग नाम है बच्चों, ये नाम एग्जाम में तो नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग इसको एक दो बार देख लीजिएगा कि कौन है ये नियमानचंद, और दूसरे जो हैं नियमानंद, और साथ ही निम्बादित्य और नियमानंद, दोनों नाम ना से ही है और ये भी ना से ही है। तो निम्बकाचार्य और नियमानंद और निम्बादित्य, तीनों नाम किसका है, इन्हीं का है। आगे है, इन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों को अपने मत के में स्थान दिया।
यानी कि ये द्वैतवाद को भी, उसकी भी कुछ अच्छी चीज़ों को मानते हैं और अद्वैतवाद के भी अच्छी चीज़ों को मानते हैं। इनके दर्शन में द्वैतवाद का भी प्रभाव मिलेगा और अद्वैतवाद का भी प्रभाव मिलेगा। ये तो अजीत सा ही संगम है कि एक तरफ ये कहते हैं कि दो नहीं है उसमें भी विश्वास करते हैं, दूसरी तरफ दो हैं इसमें भी विश्वास करते हैं। तो इनका जो मत है ये और भी विशिष्ट है, इसीलिए द्वैत अद्वैत के बीच का जो इनका मत है वो क्या कहलाता है, द्वैताद्वैतवाद, यानी कि द्वैत अद्वैतवाद दोनों को मिला करके मिश्रित रूप द्वैताद्वैतवाद है। निम्बार्काचार्य का ये दोनों में विश्वास करते हैं, द्वैतवाद में भी और अद्वैतवाद में, इसीलिए इन दोनों को मिला करके द्वैताद्वैतवाद हो गया, द्वैत अद्वैतवाद मिला करके द्वैताद्वैतवाद हो गया है। और इस दर्शन के जो प्रतिपादक कौन है, वो निम्बार्काचार्य हैं। इनका तो और भी ज़्यादा जटिल है या कहिए कि विशिष्ट है द्वैताद्वैतवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे क्या है, निम्बार्काचार्य के संप्रदाय को सनक अथवा सनकादि संप्रदाय कहा जाता है। ये एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान देंगे कि सनक संप्रदाय किसका था, तो ये निम्बार्काचार्य का था सनक संप्रदाय, और ये आप लोगों को याद होना चाहिए। कहा जाता है इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय वृंदावन में व्यतीत किया। जो निम्बार्काचार्य हैं इन्होंने अपने जीवन का ज़्यादातर जो समय है वो कहाँ पर व्यतीत किया है, तो ये वृंदावन में व्यतीत किया है जो कृष्ण भगवान की जन्मस्थली थी, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। इसके अलावा और क्या है, नेक्स्ट जो संत है वो कौन है, माधवाचार्य हैं। और जो देखेंगे आप इन्होंने क्या किया है, इनका जो मृत्यु है वो हो गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें में, तो ध्यान देंगे इसको, इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या है 100, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है मुझे लगता है, यहाँ पे होना चाहिए था 1116 ईस्वी होना चाहिए था, कुछ मिस्टेक हो गया था 1116 ईस्वी में। आगे है बच्चों ध्यान देंगे, माधवाचार्य नेक्स्ट हैं, और इनका जो नाम है एक और नाम है विष्णु स्वामी भी इनका नाम है, इम्पॉर्टेंट है। इनका जन्म 1479 ईस्वी में तैलंग ब्राह्मण परिवार बनारस में हुआ था और मृत्यु भी बनारस में ही हुई थी। यानी कि जो माधवाचार्य हैं ये उत्तर भारत के हैं, इनका जन्म बनारस में हुआ है और इनकी मृत्यु भी बनारस में ही हुई थी, इम्पॉर्टेंट है ध्यान देंगे इसको। इसके अलावा इनके व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का गहरा प्रभाव था। तो ये किससे संबंधित है, रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। कौन, माधवाचार्य रुद्र संप्रदाय से संबंधित है, या इससे जो है इनका ज़्यादा प्रभाव है इनके ऊपर। साथ ही इन्होंने विजयनगर राज्यसभा में शंकराचार्य के अद्वैत मत, यानी कि जो अद्वैत मत है का खंडन करते हुए ईश्वर को भक्ति परक विशेष बल दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा कि जो शंकराचार्य का अद्वैत मत है, जो कहते हैं कि नहीं ईश्वर और ब्रह्म एक है, दो नहीं है, दोनों का एक ही अस्तित्व है, दो ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, उसका खंडन किया है इन्होंने। और इन्होंने कहा कि जो ईश्वर है और उस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भक्ति परक है, यानी कि पूजा पाठ करके ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, या अपनी जो गलत कर्म है उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या बताया है कि भक्ति परक रास्ता बताया, यानी कि पूजा पाठ के रास्ते पर ही चलकर ये संभव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे हैं इन्होंने क्या किया, जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि मिली थी, इसीलिए इनको क्या मिला, जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य, और इसी के उपलक्ष्य में इनको ये उपाधि दी गई थी। तो एग्जाम में आ सकता है कि जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि किसे दिया गया था, तो ये मिला था माधवाचार्य को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वल्लभाचार्य ने पूर्व मीमांस भाषा की रचना की है। जो वल्लभाचार्य हैं ये भी एक संत हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया है, पूर्व मीमांसा भाष्य की रचना की है, साथ ही उत्तर मीमांसा अथवा आड़ुभाष्य इनके शुद्धाद्वैतवाद का एक जो है प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ है। ये जो प्रतिपादक हैं वल्लभाचार्य का क्या है, शुद्धाद्वैतवाद, तो ध्यान देंगे बच्चों वल्लभाचार्य का क्या है, शुद्धाद्वैतवाद। ये भी मानते हैं कि जो ईश्वर है जो आत्मा है इसका दो अस्तित्व है और ये दोनों बिल्कुल अपनी शुद्ध स्थिति को बनाए हुए हैं, इसीलिए इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया है वल्लभाचार्य ने। ध्यान देंगे इनके जो है दर्शन को।
और इनका जो प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ है वो क्या क्या है, उत्तर मीमांसा है, इसके अलावा आप देखेंगे पूर्व मीमांसा है और अणुभाष्य। ये तीन इनके दार्शनिक ग्रंथ हैं जो इनके मत पर ही आधारित हैं, शुद्धाद्वैतवाद पर ही आधारित हैं, या शुद्धाद्वैतवाद की बातों को ही ये भी बताते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त इन्होंने श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका, सुबोधनी टीका की रचना की। इन्होंने क्या किया, श्रीमद्भागवत गीता की सूक्ष्म टीका सुबोधिनी को क्या क्या लिखा है। टीका मीन्स होता है कि किसी जो है बड़ी पुस्तक पे या बड़ी कहानी पे या किसी बड़े महाकाव्य को छोटे में करके लिखना, उसी को टीका और टिप्पणी कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम में आता है कि टिप्पणी लिखें, तो छोटे में ही सार के रूप में सारी चीज़ों को लिखना होता है, ऐसे ही टीका होता है। और ये जो टीका है इन्होंने सुबोधनी के नाम से लिखा, किस पर, श्रीमद्भागवत पर। श्रीमद्भागवत बहुत बड़ी ग्रंथ है उसका, आप देखते हैं उसी को गीता कहा जाता है, श्रीमद्भागवत गीता, जो महाभारत के एक पर्व का उल्लेख है, यानी कि महाभारत बहुत बड़ा है, उसका एक पर्व है श्रीमद्भागवत गीता, और इसी पर इन्होंने टीका लिखा है सुबोधनी, जो कि छोटा सा टीका है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो संत हैं उनका काल का जो है और देखते हैं, और संस्थापक, जैसे आप देखते हैं कि जो रामानुजाचार्य हैं इनका क्या है, तो ये विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं, और जो संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद यानी कि ईश्वर और ब्रह्म दो है, दोनों की विशिष्ट स्थिति है, और ये संप्रदाय क्या है, श्री संप्रदाय है। और ये कब का इनका जन्म है, तो 11वीं-12वीं शताब्दी के इनका जीवन काल है, यानी कि जन्म और मृत्यु पूरा जीवन काल जो है वो 11वीं-12वीं शताब्दी से संबंधित है रामानुजाचार्य। 12वीं और 13वीं शताब्दी से संबंधित है माधवाचार्य, और इनका जो दर्शन है ये द्वैतवाद है, यानी कि मानते हैं कि जो ईश्वर और आत्मा है ये दो चीज़ें हैं, इनका अपना दो अस्तित्व है, अपना दो क्वालिटी है, तो ये द्वैतवाद की बात करते हैं। और इनका जो संप्रदाय है वो क्या है, वो ब्रह्म संप्रदाय है। माधवाचार्य द्वैतवाद और संप्रदाय जो है वो ब्रह्म संप्रदाय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप देखेंगे 15वीं-16वीं शताब्दी से संबंधित हैं विष्णु स्वामी, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, वल्लभाचार्य कहा जाता है, वल्लभाचार्य। और इनका जो दर्शन है वो क्या है, शुद्धाद्वैतवाद, यानी कि मानते हैं ईश्वर और जो आत्मा है वो दो है, और दोनों अपनी स्थिति में शुद्ध हैं, शुद्धता को बनाए हुए हैं। और इनका जो संप्रदाय है ये रुद्र संप्रदाय है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ये एग्ज़ाम में कैसे आता है, एक तरफ तो इनके नाम होंगे, दूसरी तरफ या तो इनके दर्शन होंगे, और अगर दर्शन नहीं होंगे तो संप्रदाय होंगे। तो आपके लिए यहाँ पर दर्शन और संप्रदाय दोनों को कलेक्ट किया गया है। यहाँ से इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं, कूट में भी आते हैं, कभी मैच रहते हैं और गलत ढूंढना होता है, कभी मैच रहते हैं सही ढूंढना होता है, कभी हमें ओवरऑल मैच करना होता है और इंडिविजुअल आता है तो हमें ऑप्शन ढूंढना होता है। तो ये किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक साथ सारी चीज़ें दे दी गई हैं, कभी कभी इनका कालक्रम भी पूछ लेता है, तो यहाँ से आप कालक्रम भी देख सकते हैं कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया है। आगे बच्चों 12वीं शताब्दी से संबंधित हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का जो दर्शन है वो क्या है, द्वैताद्वैतवाद, यानी कि ये द्वैत और अद्वैत दोनों की बीच की कड़ी है द्वैताद्वैतवाद। इनके दर्शन में दोनों की क्वालिटी पाई जाती है, कभी द्वैतवाद को मानते हैं, कभी अद्वैतवाद को, कभी कहते हैं ईश्वर और आत्मा दो है, कभी कहते हैं ईश्वर और आत्मा एक है, यानी कि दोनों की क्वालिटी को जो संयोजित करके कार्य कर रहे हैं वो कौन है, निम्बार्काचार्य है। और इनका जो संप्रदाय है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है, सनक संप्रदाय है निम्बार्काचार्य का, सनक संप्रदाय याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट है, ये है 15वीं-16वीं शताब्दी से कौन संबंधित है, तो चैतन्य महाप्रभु जो है ये संबंधित है, और इनका जो दर्शन है अचिंत्य भेदाभेद, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है अचिंत्य भेदाभेद किसका है या भेदाभेद किसका है, चैतन्य महाप्रभु का है, और 15वीं-16वीं शताब्दी के हैं, इन संतों में सबसे जो है पुराने हैं ये। इसके अलावा भास्कराचार्य, भास्कराचार्य का जो दर्शन है वो क्या है, भेदाभेदवाद, यानी कि ये भेद और अभेद दोनों के बीच की कड़ी में विश्वास करते हैं, कहीं मानते हैं दोनों में भेद है और कहीं कहते हैं कि दोनों में भेद नहीं है, यानी कि कभी कहते हैं दोनों में अंतर है और कभी कहते हैं कि दोनों में अंतर नहीं है,
और ये भी बीच की चीज़ों को लेते हैं, इसलिए इनका जो संप्रदाय है क्या है, भेदा भेदवाद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है शंकराचार्य। जो शंकराचार्य हैं इनका तो आप जान ही रहे हैं, आद्वैतवाद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आद्वैतवाद जो कि केरल के हैं, केरल में इनका जन्म हुआ था, आद्वैतवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो आपके पास इतने सारे संत हैं और संतों के जो है वो संप्रदाय है और साथ ही उनके दर्शन है, तो ये आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा चार्ट बना करके बिल्कुल ऐसे ही। आगे हैं रामानंद, ये उत्तर भारत के संत हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे इसमें आप देखेंगे कि जो आपके चैतन्य है ये उत्तर भारत से संबंधित है, साथ ही जो है रामानुजाचार्य और बाकी जो लोग थे ये सारे लोग दक्षिण के थे, शंकराचार्य भी दक्षिण के थे, निम्बार्काचार्य भी दक्षिण के थे। जो आप देखेंगे यहाँ पे माधवाचार्य हैं ये उत्तर भारत से संबंधित हैं, चैतन्य महाप्रभु भी उत्तर भारत से संबंधित हैं, तो यहाँ पे रामानंद है ये भी उत्तर भारत के हैं गुरु, और ये क्या है, इन्हें गुरु राघवाचार्य, इनके जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग के कुछ परिवार में हुआ था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो ये गुरु हैं राघवाचार्य, इन्हें कहाँ हुआ है जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग के कान्य कुंज में हुआ है, और इन्होंने रामानुजाचार्य जो हैं इन्होंने क्या किया है, भक्त की परंपरा को आगे बढ़ाया है, ये भी ईश्वर की भक्ति में ईश्वर की पूजा में विश्वास करते हैं और मानते हैं कि इंसान को मोक्ष प्राप्त करना है तो ईश्वर की भक्ति करे, उसका पूजा करे। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, तथा उत्तर भारत के विभिन्न नगरों में भ्रमण कर भक्ति आंदोलन का प्रसार किया था। ये उत्तर भारत से संबंधित हैं और उत्तर भारत के विभिन्न नगरों में ये भ्रमण करते हैं, यानी कि घूम घूम करके प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। रामानुजाचार्य काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं ये। इसके अलावा और इन्होंने क्या किया है, ये स्वामी रामानंद ने, यानी कि जो स्वामी रामानंद हैं इन्होंने क्या किया है, जाति प्रभाव तथा तत्व संबंधी अंधविश्वासों एवं आडंबरों को तोड़ डाला। जो रामानंद है इन्होंने क्या किया है, जितने भी आडंबर हैं, जितने भी अंधविश्वास हैं, जितने भी जाति प्रथा का जो इन सारी चीज़ों का प्रभाव है, इन सब का खंडन किया, इन सब में विश्वास नहीं किया, और एकमात्र ऐसे जो है गुरु हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जिनके शिष्य परंपरा में हर जाति धर्म के लोग शामिल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने या उन्होंने किसी भेदभाव के सभी जातियों के लिए शिष्यत्व का द्वार खोल दिया था। इन्होंने क्या किया, बिना किसी भेदभाव के, बिल्कुल भी नहीं कहा कि किस जात का व्यक्ति मेरा शिष्य बनेगा और किस जात का व्यक्ति शिष्य नहीं बनेगा, ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखा इन्होंने, यानी कि बिना भेदभाव के इन्होंने अपने शिष्यत्व का जो द्वार है वो खोल रखा था, कोई भी व्यक्ति उनका शिष्य बन सकता था और उनसे जो है ज्ञान ले सकता था। और इसी में आप देखेंगे उनके प्रमुख 12 शिष्य थे और उन 12 शिष्य में अनेक निचली जाति के लोग भी शामिल थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामानंद के 12 शिष्य हैं और 12 शिष्यों में बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत निम्न जाति के हुआ करते थे, जिन्हें उस समय सोसाइटी में अच्छे निगाहों से नहीं देखा जाता था या लोग उनको सम्मान नहीं देते थे, कोई भी व्यक्ति उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाता था। ऐसे में रामानंद ऐसे जो है गुरु हैं जिन्होंने हर व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया है, सबके लिए अपने शिष्यत्व का द्वार खोल रखा है, और आप देखेंगे कि इनके पास अलग अलग जाति के जो है हैं भी, जैसे कबीर जो हैं वो क्या है, एक जुलाहा परिवार के हैं जो कपड़े धोने का काम करते हैं, जिन्हें समाज में बहुत निम्न कोटि का सम्मान मिलता है, उनको भी इन्होंने अपना शिष्य माना है, और कबीर को कौन नहीं जानता, कबीर जैसे वाणी बोलने वाले जो संत हैं बहुत कम मिलते हैं, इन्होंने इनकी जो वाणी है उसमें इतना ज़्यादा एक तरीके से कि कुठाराघात है, उन हर गलत चीज़ों का इन्होंने विरोध किया है, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो, सारे धर्मों की जो बुराइयां हैं, जो उसमें कमियां हैं, जो लोगों के अंदर आडंबर है, अंधविश्वास है, उस पर इन्होंने बहुत कुठाराघात किया है। इनके जो दोहे हैं, एक एक दोहे बहुत बड़ी बड़ी मीनिंग बयां करते हैं, उसको अगर कोई पढ़ ले तो उसे लगेगा कि हाँ जीवन की कितनी सच्चाई इन्हें पता थी, कितना ज्ञान था इन्हें, ऐसे लोगों को कहते हैं ज्ञानी, जैसे कि कबीर थे, इनकी बातें एकदम अक्षरशः सत्य लगती हैं। ये जुलाहा परिवार से संबंधित हैं, इनके बारे में कहानियाँ भी होंगी, नीरू नीमा नामक जुलाहा परिवार ने इन्हें गोद लिया था, इस किसी ब्राह्मण कन्या के जो है संतान थे जो उन्हें सीढ़ियों पर छोड़कर चले गए थे, इनकी कहानियां बचपन में पढ़े होंगे आप लोग।
इसके अलावा जो शिष्य हैं रैदास हैं, और रैदास क्या हैं, ये भी चमार जाति के हैं। इस जाति को भी लोग समाज में बहुत ज़्यादा जो है सम्मान नहीं देते थे, और तब तो बिल्कुल नहीं देते थे, आज भी नहीं मिलता है लोगों को सम्मान, और पहले तो कहाँ मिलता रहा होगा, आप समझ सकते हैं, अपने समाज को देखेंगे तो सब समझ में आएगा। इसके अलावा जो सेना है, ये नाई थे, उनके एक और शिष्य हैं सेना, और वो नाई जाति के थे, यानी कि ये सारी बहुत ही निम्न जातियाँ हैं जिन्हें समाज सबसे निम्न कैटेगरी में रखता है, जिनके प्रति लोगों का जो नज़रिया है वो अच्छा नहीं होता, कम से कम समानता की भावना तो बिल्कुल भी नहीं होती, आज तक नहीं हो पा रही है, तो उस समय तो शायद इनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। ऐसे टाइम में रामानंद ने इनको भी अपना शिष्य बनाया है, और जो आप देखेंगे कि जो धन्ना है ये जाट है, और इनको भी इन्होंने अपना शिष्य बनाया है। रामानंद के जो शिष्य हैं उसमें आप देखेंगे चार फेमस पर्सनालिटी जिनका नाम हम किताबों में पढ़ते हैं, जिन्होंने जो बातें लिख दी हैं वो आज तक कोई काट नहीं सका है, ऐसी बातें जो बड़े बड़े विद्वान सोच नहीं पाते हैं, ऐसी तर्क जिसका खंडन करना किसी के बस की बात नहीं है, ऐसे लोग भी समाज में छोटे छोटे जातियों से उभर करके आए और इतनी बड़ी बड़ी बातें सिखा के चले गए जिसको आज तक लोग सीख नहीं पा रहे हैं, और उस टाइम में क्या हालत रही होगी उस समय सोसाइटी की। तो ये सारे महान पर्सनालिटियाँ हैं इनके शिष्यत्व में। इन्होंने स्त्रियों के लिए भी भक्ति आंदोलन का द्वार खोल दिया था। ये ऐसे जो है व्यक्ति हैं जिन्होंने स्त्रियों को भी अपने लिए कहा कि आप भी आ सकते हो, शिष्य बन सकते हो, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, आपको भी पूरा अधिकार है बिल्कुल पुरुषों की तरह। ये काम किसने किया है? रामानंद ने किया है। साथ ही इन्होंने और क्या किया है, स्वामी दयानंद पहले संत थे जिन्होंने हिंदी के माध्यम से अपना संदेश दिया था, यानी कि जो रामानंद हैं ये पहले शिष्य मतलब जो है व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी के माध्यम से लोगों को अपना संदेश दिया था। इन्होंने हिंदी का को अपनी भाषा बनाई थी, हिंदी को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था, और हिंदी में ही इन्होंने जो है भाषण दिया या लोगों को समझाया, इनका जो प्रचार प्रसार था वो हिंदी में हो रहा था। एग्ज़ाम में ये भी आया है कि कौन से संत ने जो है हिंदी को अपनी भाषा बनाई थी, तो ये रामानंद ही हैं जिन्होंने हिंदी को अपनी भाषा बनाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इनकी मृत्यु भी 1411 ईस्वी में हुई। रामानंद द्वारा लिखित जो बातें हैं वो आदि ग्रंथ में भी संकलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आदि ग्रंथ आप जानते हैं जो सिख धर्म है उनका पवित्र ग्रंथ है, जैसे कि हिंदू धर्म में गीता और ईसाई धर्म में बाइबिल होता है और मुस्लिम धर्म में कुरान होता है। ऐसे आप देखेंगे कि जो सिख हैं उनका आदि ग्रंथ है, और उस आदि ग्रंथ में इनके भी दोहे संकलित हैं, साथ ही कबीर के दोहे, और इसके अलावा आप देखेंगे जो रैदास हैं इनके भी दोहे हैं, और जो दक्षिण भारत के नामदेव इस तरह के संत हैं उनके भी दोहे आदि ग्रंथ साहब में देखने को मिलते हैं। तो आगे जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उसको नेक्स्ट कल के क्लास में देखेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, वो बच्चे से मेहनत कीजिए। थैंक यू।